हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और शाम का टाइम है, हम लोग अभी सब लोग तैयार होके निकल रहे हैं रमजान का चांद देखने के लिए। इट्स अ वेरी वेरी स्पेशल टाइम फॉर ऑल ऑफ अस, सो कम लेट्स हैव अ लुक द चांद टुगेदर। इसी के साथ जैसे कि आप लोगों ने देखा, हमारा मुबारक चांद दिख गया है। सब दुआएं कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरी पूरी फैमिली की तरफ से आप सबको चांद मुबारक। क्या पढ़े मम्मी? सूरह फतेह। सूरह फतेह, ये देखो यहाँ पर ये दुआएं ले रही हैं। मम्मी बहुत बहुत ऑन कर देना। मालिक मेरे मेरी मुरादें ख्वाहिशें पूरी, अपने बच्चों को जिंदगी से शिफा दे, सेहत दे, ताकत दे, आमीन। सब कुछ अता फरमाए अल्लाह, हम सब में आपस में प्यार और मोहब्बत बनी रहे या अल्लाह। मालिक मेरे दीन की दौलत दे, दुनिया की इज्जत दे, नाम पैसा इज्जत शोहरत चैन सुकून सेहत, तुम सब कुछ अता फरमाते या अल्लाह। मालिक वो स्पेशल रिक्वेस्ट, एक खूबसूरत सा मालिक मेरे, मालिक अगले रमजान तक हमें पोता दे दे, अच्छी किस्मत का खूबसूरत ज़हीन, तमीज़, समझदार, होशियार, नेक अक़ल का अल्लाह, नेक अक़ल का दे दे, मतलब माफ़ी दे। रमजान मुबारक। चलो जरा फोन ऑन कर, फोन नहीं। वालेकुम अस्सलाम। चांद देख के आ चुके हम लोग और तरावी का वक्त होने जा रहा है, तो मैं जा रहा हूँ और जा रहे हैं अब मैं और डैडी तरावी पढ़ने के लिए। तो भाई तरावी का पहला दिन था और मस्जिद खचाखच भरी हुई थी, देखकर बहुत खुश हुई। माशाल्लाह सब लोग नमाज पढ़ने के लिए आए हुए थे। सुबह के 4:50 बज रहे हैं, हम लोग सो के उठे हैं, सहरी का वक्त है और मम्मी लगी हुई है कुछ गर्म करने में, मशीन लगी है, रोटी बन चुकी है, बनाने में नहीं बन चुकी है रोटी, और सब नींद में झूम भी रहे हैं। शरीर ने रात भर करी है इबादत। कौन सा पारा खत्म हो गया? अच्छा है फिरनी, फिरनी नहीं, हाँ फेनी, फेनी इसको कहते हैं, फेनी और हाँ फिरनी तो अलग होती है। इसको प्रॉपरली तोड़ना होता है, मैश करना होता है, फिर इसमें गर्म दूध डालना होता है। तुम्हारे ऊपर भरोसा, क्या बन रहा है भाई? हाँ, इसलिए तुम्हें बताना पड़ेगा क्या बन रहा है। मिर्ची बड़ा राजस्थानी, राजस्थानी राजस्थानी है पहला रोजा और मुझे थोड़ा सा ब्रेक मिला तो मैंने कुरान शरीफ भी पढ़ा और सब लोगों ने कुरान शरीफ पढ़ा, सब लोगों ने अपने अपने हिस्से की इबादत करी और अब बीच में वक्त निकाल के मैं भी कुरान शरीफ पढ़ रहा हूँ। और इस कुरान शरीफ की बात खासियत ये है कि ये अलग अलग ट्रांसलेशन में है। दोपहर 1:15 बजे। हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि रमज़ान का पाक महीना चल रहा है और परसों हमने चांद देखा था छत पर जाकर। हम लोग 30th फ्लोर पर रहते हैं और हम 36th फ्लोर पर गए थे चांद देखने के लिए। हमने स्पेशली टेरेस की चाबी मंगवाई थी और चांद देखा था। और मुझे हमेशा से चांद देखना बहुत पसंद है, मतलब शादी से पहले भी मैं सबको इकट्ठा कर लेती थी कि अरे अरे चांद देखने जाएंगे रमज़ान का या ईद का। तो इट वॉज रियली अ नाइस मोमेंट। और उसके बाद आके हमने दुआएं पढ़ी, सबके लिए दुआएं करी। और कल रमज़ान का रोज़े का पहला दिन था और फर्स्ट डे इज़ ऑलवेज वेरी टफ। ऑल्सो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, आई वॉज चोक्ड, तो मैं कुछ भी पूरे दिन कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई। और
पर मैंने रिकॉर्डिंग नहीं की है, लेकिन मैंने चार पारे पूरे कर लिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम सो हैप्पी। और आज आई एम ऑल सो एनर्जेटिक, अल्हम्दुलिल्लाह पूरी एनर्जी है मेरे अंदर। सो आज मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ, सहरी नहीं बनाई है, आई एम रियली सॉरी। सहरी मैं आप लोगों को कल दिखाऊंगी होपफुली, लेकिन अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि इफ्तार के लिए हमारे घर में क्या बन रहा है। और यूजुअली रमज़ान के दिनों में घर का माहौल कैसा रहता है। सो लेट्स गो हैव अ लुक। दीप्ति यहाँ पर कपड़े धो रही हैं, हेलो दीप्ति। जनाब काम कर रहे हैं एज ऑलवेज, हेलो। यस मम्मी अस्सलाम वालेकुम, क्या बन रहा है मम्मी के किचन में? अरे वाह, डिफिकल्ट हो जाता है ये सोचना कि एवरीडे क्या डिफरेंट बना है ना मम्मी। मम्मी रोज बोलती है अपने अपने घर का बता दो क्या क्या बना है। अरे वाह, बहुत ही सही खुशबू आ रही है। आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? ये क्यों मुस्कुरा रहे हैं? इनके मुस्कुराने की वजह मैं बताती हूँ, बिकॉज ही इज द सीनियर मोस्ट इन द हाउस, और वो ऐसे यूं पढ़ते हैं फटाफट कुरान मजीद। तो अब्बा एक दिन में ढाई तीन चार पारे ऐसे ही कर देते हैं, और हम इनके साथ कोई कॉम्पिटिशन कर ही नहीं पाते हैं, इसलिए अब्बा अभी फिलहाल इतरा रहे हैं क्योंकि हम सबसे आगे भाग चुके हैं। अब्बा, हमारे अब्बा जानी, माशाल्लाह। नूर देखिए हमारे अब्बा का पूरी, आप एकदम पहले की वो पहनते थे ना गरारे, बिल्कुल लेडीज ऐसी लग रही है। दोपहर 3:30 बजे। वाह, मुझे नहीं पता था हमारे घर के अंदर मदरसा खुल गया बच्चे आया पढ़ने के लिए ये सबसे जवान बच्चा है क्या बात है। आप कौन से पारे में बच्चे? रमजान का वो है, नूर है, रमजान का नूर है। मम्मी आपने तो पूरे साल मुझे बोला कि मैं हूँ नूर। डैडी कौन से पारे पे हैं? आठवां। मम्मी? चौथा। और शिरीन? शुरू किया अभी। पांचवा है? सुबह तक तो दो कह रही थी। नहीं, एक दिन में पांच पढ़े उसने। शिरीन सच बताओ, इधर देखो मेरी आंखों में, कैमरे में देखो, इधर कैमरे में। और मैं हूँ दूसरे पारे पे, मेरा एक्चुअली दूसरा खत्म होने वाला है यार, मैं ऑफिस पे कर रहा हूँ साथ साथ में, ये लोग खाली लोग हैं सब लोग। खाना हमारा होटल से आता है सच्चाई है सच्चाई है, दीप्ति बना रही है सच्चाई ये है, जयपुर से जो आया था उसका जो है सालन यूज होकर आलू गोश्त बनाया गया है, पूरा मसाला बनाया है। ठीक है, इसमें कोई मसला जरूर है। हाँ क्या कह रही हो मम्मी, बताइए। अच्छा, अब तुम बकवास नहीं कर रही हो यहाँ देखिए साहब, अलग ही सीन है यहाँ पर जो है वॉक करने जाया जा रहा है रोजा रख के। वाह, ये होती है एनर्जी, देख रही है उनको भाई, मतलब अलग ही ट्रिप है। टी शर्ट के पीछे लिखा इंसेन। डैडी जरा मुड़िए, एक बार जरा मुड़िए, इन ट्रेन इंसेन। ओ चले भाई, अच्छा भाई, अल्लाह हाफिज। ओके अल्लाह हाफिज, बाय बाय। अरे बात सुनिए, आप अल्लाह हाफिज वाले लग नहीं रहे। आप अल्लाह हाफिज वाले लग नहीं रहे। नहीं, ओके मैन, ओके मैन, चलिए। क्या बन रहा है? ठीक है, गरम राजस्थानी मिर्ची वड़ा। अस्तग़फ़िरुल्लाह। ये देखो मैंने मिर्ची वड़ा वहाँ पर बहुत फेमस है, और मैं बॉम्बे में बहुत ज्यादा क्रेव करती थी। ये मैंने बताया था जैसे कूटी मिर्ची में मैंने बहुत सारा मसाला भरा है, एंड इट्स टू टेम्पटिंग, एंड वी शुड नॉट टेम्प्ट राइट नाउ, वी स्टिल हैव 40 मिनट्स। एंड प्लीज अवॉइड दोस कपड़ास, पहले मुझे लग रहा था ये कच्चा है, बट एक अच्छा नहीं है, ये हमारी ये दीप्ति ने जो है ये जो है टांगा हुआ है, मुझे नहीं पता क्यों ये इन्होंने टांगे हैं, सबके कच्चे मेरे कच्चे नहीं है, ये कपड़े हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि शिरीन इसकी जो है एक और ब्लॉग बनाए जिसके अंदर शिरीन इसकी रेसिपी डाले,
क्योंकि शरीर गजब बनाती है। बट इफ यू गाइस वांट प्लीज टेल अस इन द कमेंट्स देन ओनली आई विल मेक अ फुल रेसिपी। कुछ नहीं, ये कच्चों से आगे नहीं निकल पा रहे, पीछे जाने लग रहा है चटनियां। दिस बॉय इज सिक, शक्ल देखो इसकी, पर इनको तराबी के लिए जाना दिल नहीं मान रहा। दिल नहीं मान रहा, इधर लेटे हुए थे इतनी देर से बिस्तर पे, सब छोड़ छाड़ के अब रेडी होके खड़े। रोज तराबी के लिए जा रहा था लेकिन आज तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, फीवर था मुझे, रोज़ा भी था। रोज़ा खोलने के बाद मैंने डोलो ली और अनीटस लेक में थोड़ी देर सोया, तो अब थोड़ा सा बेटर फील हो रहा है मुझको, लेकिन तरावी नहीं हो पाई आज मेरी, बट मैंने घर पे ईशा की नमाज़ पढ़ी और अब हम दोनों इबादत कर रहे हैं कुरान शरीफ पढ़ के। गुड मॉर्निंग वंस अगेन, सब लोग उठ गए सुबह सुबह। आज मेरा ज़्यादा दिल नहीं था तो मैंने अंडा और पराठा बनाया है। हसन इज़ स्टिल फीलिंग सिक तो वो काढ़ा पी रहे हैं। एंड दिस इज़ हाउ द सहरी सीन लुक्स लाइक इन द हाउस। बहुत अच्छे से सोचा था, मैंने हसन को भी बताया कि मैं आप सबका वेलकम करूंगी और आप सबको बताऊंगी कि हम लोग सहरी कैसे करते हैं और आपको पूरे रूटीन के साथ रूबरू करूंगी। बट पता नहीं क्या बोलूं मैं, लेकिन सुबह का मामला इतना टफ होता है, मतलब हम उठ के तहज्जुद पढ़ी, फटाफट सहरी बनाई, फटाफट सहरी करी, वो टाइम बहुत कम होता है और मैं कुछ भी शूट करना भूल गई हूँ। आई जस्ट शॉट अ लिटिल बिट ऑफ ग्लिम्स जो कि मैं दिखा दूँगी आपको वीडियो में, बट स्टे कनेक्ट। हाय गाइस, मैं ज़्यादा कुछ अपडेट नहीं कर पाई क्योंकि दिस पुअर बॉय इज लिटिल सिक, बहुत बुखार है हसन को, इज़ नॉट फीलिंग वेल और रोज़ा भी रखा है आज, बट प्रे फॉर हिज हेल्थ। आई होप कि सारे रोज़े हसन रख पाएँ क्योंकि इनका फीवर उतर नहीं रहा है। इट्स बीन क्या बोल रहे हो, मेरे गुनाह निकल रहे हैं। हाँ, हसन का कहना है कि अगर आपको आप बीमार हो जाओ शुरू के दिन में तो क्या आपके गुनाह निकल रहे होते हैं, तो इन्होंने बहुत सारे गुनाह किए हैं इसलिए शायद निकल रहे हैं गुनाह। लुक एट योर फेस पुचू। इसी के साथ मेरा आठवां सितारा अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हो गया है और इधर मम्मी ने बनाए हैं दही बड़े। और क्या बन रहा है आज, सुना है बहुत सारा माल बन रहा है, इधर ये छोले सैंडविचेस है, देखे मैंने, और यहाँ बहुत कुछ तैयारी हो रही है। और तो हसन की वजह से मैं थोड़ी सी अपसेट हूँ क्योंकि उनको फीवर है और उनका फीवर उतर नहीं रहा है, तो थोड़ी सी फिकर की बात कुछ बात की है, बट इंशाल्लाह वो भी बिल्कुल फाइन, तो अगर किसी को नहीं पता है तो मैं बताना चाहती हूँ कि रोज़ा खजूर से खोला जाता है और उसके बाद शरबत पीना चाहिए, लेमन जूस पीना चाहिए, बहुत सारे फ्रूट्स खाना चाहिए टू गेट द एनर्जी बैक। और अभी सब लोग दुआएं कर रहे हैं क्योंकि कहते हैं कि इस वक्त की सारी दुआएं कबूल होती हैं। तो आज हमारे इफ्तार में बनी हैं बहुत सारी नेमतें, छोले दही बड़े, बहुत कुछ बनाया मम्मी ने, ये बीमार बच्चा। सबको आप हम अपनी दुआओं में याद रखें और क्या हमारा चैनल देखते रहे, हमारे चैनल को देखते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा, लाइक करिए। तो अगर आप सबको हमारा ये रमजान का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। ऑल्सो मुझे नेक्स्ट टाइम के लिए बताइए क्या मैं आपके साथ रेसिपीज शेयर करूँ फॉर स्पेशली इफ्तार एंड सहरी, या फिर और आपके साथ शेयर करूँ कि हम रमज़ान में क्या करते हैं, और यू कैन एक्चुअली गिव मी सम टिप्स एंड आइडियाज जो कि मैं नेक्स्ट टाइम अगले ब्लॉग में बना सकती हूँ। अंटिल देन कीप वॉचिंग दिस स्पेस एंड कीप शेयरिंग लव। अल्लाह हाफिज़, बाय।